असलम स्टूडेंट आई एम सैद असनैन एंड यू आर वॉचिंग सद असनैन यूट्यूब चैनल सो फ्रेंड्स आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कैसे हम अपने होम के टैब का यूज़ कर सकते हैं एम एक्स एक्सेल के अंदर देखिए एम एक्स एक्सेल में सबसे पहले हमारे पास होम का टैब है होम के टैब के अंदर हमारे पास क्लिप बोर्ड की रिबिन है देन हमारे पास फॉन्ट अलाइनमेंट एन नंबर स्टाइल सेज एडिटिंग ये हमारी कुछ सेल्स इसके अंदर कुछ हमारे रिबिन है होम के टैब के अंदर होम के टैब से हम सिंपली स्टार्ट करते हैं हमारे फ़ोन से ही हम हो अपने एम एस वर्ड के अंदर समझ के आ चुके हैं सो हम स्टार्ट करते हैं देखिए सिंपली यहाँ मैं लिख लेता हूँ अपना ही चैनल का नाम ठीक है जैसे हम अपने एम एस वर्ड में लिखते थे सो नाम लिखा मैंने तो आप देख सकते हैं ये मेरा जो नाम है सईद हसनैन ये आउटसाइड हो रहा है हमारे सेल के अंदर से देखें अभी हम देखें आउटसाइड हो रहा है अभी हम इसको पूरा करने के लिए ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे आप दबा के रखेंगे विट लिखा हुआ आ जाएगा जब आप इस पर दबा के रखेंगे तो आप थोड़ा सा इसको लेफ्ट की साइड करके ड्रॉप कर देंगे देन आप देख सकते हैं सही दस्टनैंड कम्प्लीटली एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ आ रहा है अब ये सही दस्टनैंड लिखा हुआ आ रहा है अब आप चाहते हैं कि आप इसको बोल्ड करें या फिर इसको अटैलिक करें ये देखें अगर आप इसको सेलेक्ट करके बॉल्ड पे क्लिक करेंगे तो देन ये बोल्ड हो जाएगा ठीक है अब ये अटैलिक करना चाहेंगे तो आप अटैलिक हो जाएगा अंडरलाइन करना चाहेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा जैसे हम होम के टेप में करते थे डबल अंडरलाइन का भी यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डबल अंडरलाइन करना चाहें तो आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं अब आप देख सकते हैं सही रस्ते लिखा हुआ है बोल्ड अटैलिक प्लस डबल अंडरलाइन ये इस पर फॉर्मेटिंग हमारी हुई हुई है ठीक है अब नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या है नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे बॉर्डर्स ये क्या आ रहे हैं हमारे पास बॉर्डर्स बॉर्डर्स पे जब हम क्लिक करेंगे देखें ये जो हम समझा चुके हैं आपको होम उसके हमारे एम एस के अंदर देखें बॉटम बॉर्डर जब हम बॉटर बॉटम बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखें आपको बॉटम बॉर्डर यहाँ से दिख रहा होगा हम यहाँ से अंडरलाइन को हटा देते हैं अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम बॉर्डर आ गया है सो so देन उसके बाद आपको हम दिखा सकते हैं कि आप टॉप बॉर्डर लेना चाहें तो टॉप इसको सेलेक्ट करते हैं पहले हम यहाँ आ गया बॉर्डर सो so हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके टॉप बॉर्डर करना चाहें टॉप बॉर्डर कर सकते हैं देख सकते हैं आप तो so देन उसके बाद टॉप बॉर्डर के बाद आप करना चाहें लेफ्ट बॉर्डर देन आप करना चाहें राइट बॉर्डर तो आप इसके कम्पलीटली ऐसे डिफाइंड इसको कर सकते हैं अभी हम चाहें तो इसको ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो इसको ऑल बॉर्डर्स भी अप्लाई हो जाएगा सो so नाव अब हमें क्या स्टार्ट करना है देखें आप, ना ऑल बॉर्डर्स हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखें ये हमारे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो रहे हैं हम आपको अलग अलग सेल में करके दिखा देते हैं ये देखें ये हमारे ऑल बॉर्डर्स अप्लाई हो रहे हैं सो so, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है कलर का ये कलर्स आप समझ चुके हैं कैसे हम फील कलर्स यहाँ से कर सकते हैं देखें अब आप देख सकते हैं इसकी फ़ील है वो कैसे फ़ील हो रही है बैकग्राउंड आप इसका चेक करें सो so, आप देख सकते हैं इसकी फीलिंग कंप्लीट चेंज हो रही है अब यहाँ से कोई आप डार्क रखना चाहें तो डार्क रख सकते हैं जो कलर आपको पसंद हो और नो फील करना चाहें और मोर कलर्स में जाके फिर ये स्टैंडर्ड कलर आ जाते हैं हमारे एंड यहाँ से कस्टम कलर हैं जो आप रखना चाहें आप रख सकते हैं अभी हम इसको ओके okay करके अप्लाई कर देते हैं देखिए इसका जो बैकग्राउंड है ये कलर इसका ये अप्लाई हो गया है सो so, इसके बाद देखें अगर हम आपको दिखाएं तो ये जो ये वाला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट पे कलर अप्लाई हो देखें हम इसको सेलेक्ट करते हैं देन फिर हम इस पर आते हैं तो देखें अब हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है पहले हमारा किसका कलर चेंज हुआ था बैकग्राउंड का अब हमारे यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं हम इसका कलर रख देते हैं वाइट ठीक है ये हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया आप देख सकते हैं हमारे टैक्स का कलर यहाँ से चेंज हम कर चुके हैं ठीक है यहाँ से हमारा टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया ये हमारे जो बॉर्डर है बॉर्डर हमने यहाँ से अप्लाई किया था ये कलर हमने फ़िल करने के लिए लिया था ये वाला जो ऑप्शन है हमने फ़ोन कलर के लिए लिया था देख सकते हैं आप हमारा इसका कलर चेंज हो गया ठीक है अब हम देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये हमारे पास इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट के ऑप्शन हैं ठीक है ये हम इस पर हमारा हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं फोन के साइज़ को यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं ठीक है ये ये ऑप्शन होते हैं यहाँ से आप यहाँ से भी कर सकते हैं ये ऑप्शन यूज़ ठीक है आफ्टर डेड इसके बाद हमारे पास देखें क्लेवेरी हमारी यूज हुई थी यहाँ से ये यह होते हैं हमारे थीम्स फोन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं ठीक है यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं हम यहाँ से कौन कौन सी रख सकते हैं यहाँ पे सो मेनी ऑप्शन हैं जो आप रखना चाहें हम यहाँ से एरियल नैरो रख लेते हैं ठीक है यहाँ से हमने इसको रख लिया है यहाँ से इसको इसकी लाइन को सेलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये फोन के ऑप्शनस में आप पास हमने इसको कम्प्लीटली यूज़ कर लिया है कलर्स भी देख लिया डिक्रीमेंट डिक्रीजमेंट इंक्रीजमेंट भी समझ लिया अंडरलाइन बोल्ड अटैलिक बॉर्डर्स एंड यहाँ पे जो कलर फील्ड कलर एंड हमारे टेक्स कलर से हम समझ चुके हैं अब देट इसके बाद हमारे हम पास ऑप्शन है सेंटर अब आप इसको सेंटर में करना चाहें या फिर इसको पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं देखिए यहाँ पे अब हम रखेंगे अपने क्रसर को तो हम अपनी रो को बड़ा कर सकते हैं ठीक है हमने रो को बड़ा कर लिया अब आप चाहते हैं ये आपका सेंटर ये देखें राइट right सेंटर में अभी हम आपको करीब करके दिखा देते हैं हम आपको करीब करके दिखा देते हैं देखें अभी हम इसको करेंगे सेंटर में सेंटर में करेंगे तो देखें अभी सेंटर में आ गया अभी हम लेफ्ट पे लेके आएंगे तो देखें लेफ्ट पे मूव हो रहा है right राइट पे लेके आएंगे तो राइट पे मूव हो रहा है यहाँ से सेंटर में करेंगे तो देखें बिल्कुल टैक्स हमारा बीच में आ गया यहाँ से हम लेफ्ट पे करेंगे तो आप देखें हमारा टैक्स लेफ्ट पे आ गया बिल्कुल एंड यहाँ से हम राइट पे करेंगे तो देखें हमारा टॉप से राइट में आ गया तो हम इसको सेंटर में रखते हैं और यहाँ से भी सेंटर में रखते हैं तो हमारा टेक्स्ट कम्प्लीटली यहाँ से सेंटर में अप्लाई हो गया सो so नेक्स्ट हमारे पास देखें ये अलाइनमेंट्स के ऑप्शन होते हैं कुछ ठीक है ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं अलाइनमेंट्स के अब ये डिक्रीज इंडेक्स एंड इंक्रीज इंडेक्स का हमारे ऑप्शन हैं ये आपको हम समझा चुके हैं कि ये देखें आप अब यहाँ से ये यह टैक्स हमारा आगे जा रहा है देखें अब आपको दिखाएं तो ये लाइन तोड़ रहा है उसी तरीके से हमने अपने एम एस शॉट में समझा था सो so, यहाँ हमारे पास ए बी का ऑप्शन होता है सो so, यहाँ से हम अपने टेक्स को क्या नाम है एंगल यहाँ से टेक्स के एंगल्स दे सकते हैं हम देखें आपको टेक्स का हमारा एंगल ऐसे आएगा ठीक है हम अगर इसको हम बड़ा करके दिखाते हैं अपने सॉरी हम इसको बड़ा करके दिखा देते दे हैं आपको तो आप खुद देख लेंगे कि हमारा कैसा आएगा सो so, अब हम यहाँ से इसका एंगल्स भी डिफाइन कर सकते हैं जैसा हम इसका एंगल रखना चाहें वर्टिकल रखना चाहें या फिर हम इसको सिंपल अभी फॉर्मेट से अलाइनमेंट कर देते हैं सो so, यहाँ से हम इसको और हमारे पास ये ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में यहाँ से सो so, अभी हम आ जाते हैं अपने जहाँ से हम थे स्टार्ट किया था ठीक है यहाँ से हम इसको अभी हम एग ले लेते हैं यहाँ से बॉक्स बॉक्स लेने के बाद अभी हम इस इस बॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं वही चीज़ें ठीक है यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं एंड हमारे पास ये ऑप्शन देखें आप इंक्रीज इंडेक्स का था एंड ये ऑप्शन हमारा था डिक्रीज इंडेक्स का एंडट और यहाँ से हम देख सकते हैं डिक्रीजमेंट एंड इंक्रीजमेंट कर सकते हैं यह हमारा सिंपली फ़ोन का यूज़ होता है हमारे एम एस एक्सल के अंदर एंड यहाँ से अलाइनमेंट का यूज़ होता है अलाइनमेंट में हमारे पास रैप टेक्स एंड मार्ज एंड सेंटर एंड नंबर्स ये कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें एंड हमारे पास स्टाइल्स एंड स्टाइल्स में हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फॉर्मेट आफ स्टेबल कॉल सेल्ट स्टाइल्स समझ लेंगे उसके बाद वाली क्लास में सो so, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे ठीक है आपको हम दिखा सकते हैं ये हमने जो यूज़ किया है सैदैन का इसमें हमने बैकग्राउंड कलर हम इसको यहाँ से हमने इसको टेक्स कलर लिया है यहाँ से हमने बैकग्राउंड कलर लिया है ये हम आपको एम एस वर्ड में भी समझा चुके हैं सो so, आप से मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट्स करें एंड अपने दोस्तों का शेयर करें फीडबैक्स दें अपना ज़रूरी हमें और आप आप अपने दोस्तों का शेयर करें आपसे रिक्वेस्ट है जितने ज़्यादा आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोज़ क्रिएट्स करके आपको अपलोड कर सकेंगे यूट्यूब पर ताकि आप लोग देख सकें बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर नोटिफिकेशन में जब हम अपलोड करें हाथ के हाथ मिल जाए सो so, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग